और रिश्ते सिर्फ पैसे से नहीं होने चाहिए, रिश्ते दिल से होने चाहिए, क्योंकि दिल से रिश्तों की कदर करो, पैसे का क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। यार आज भारत में और भारत के हरियाणा में लगभग हर व्यक्ति जिसने अभी अभी प्लस टू की है या ग्रेजुएशन कर लिया है, उनका एक ही सपना रह गया कि फॉरेन जाना है भाई, बाहर जाना है और पैसे कमाने हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो बाहर क्यों जा रहे हैं, अगर आप किसी से भी पूछ लो कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होगा कि सर यहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं। तो नौकरियाँ क्यों नहीं हैं? कहते हैं कि भाई यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बेरोज़गारी क्यों है? क्या सरकारी नौकरियाँ बेरोज़गारी हैं? अगर सरकारी नौकरी पे नहीं लगे तो क्या वो बेरोज़गारी है? वो और कोई काम नहीं है क्या? बाहर जाकर सारे के सारे सरकारी नौकरियों पर लग जाते हैं? नहीं, वहाँ जाकर मेहनत करते हैं, लेकिन अपने खुद के देश में जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, आपने चलना सीखा है, बोलना सीखा है, वहाँ पर आप मेहनत नहीं करते। ऐसे ऐसे काम हैं कि आप वो काम करो तो पैसा कमा सकते हो। क्या जितने भी रिश्ते नाते हैं सब पैसों के रह गए? क्योंकि जो लोग यहाँ पर काम नहीं करते वो बाहर जा रहे हैं। बाहर जाकर क्या आपको फ्री में खाने को मिल जाएगा? वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या है, आप अपने आसपास से ही लगा के देख लो, अगर आपके पास कोई बिजली का काम करने वाला इलेक्ट्रिशियन है या कोई प्लम्बर है या कोई दर्जी है, आप उनसे देख लो, आप किसी बिजली वाले को बुला लो कि हाँ मेरे घर पे लाइट ख़राब हो गई है, आप आ जाओ, दो घंटे से पहले तो आएगा ही नहीं, और कई बार तो टालने की कोशिश करेगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, काम करते ही नहीं अच्छी तरह से। और अगर काम करने के लिए वो आ भी गए तो उनका रेट इतना हाई फाई होता है, घर पे एक तार को हाथ लगाने के भी 100-200 रुपये मांग लेते हैं। अगर बेरोज़गारी है और काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो काम सस्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, महंगाई है। लेकिन बाहर जा रहे हैं, और बाहर भी कौन से लोग जा रहे हैं? जिनके पास पहले ही सब कुछ है, यहाँ पर वो राजा हैं, लेकिन बाहर जाकर क्या कर रहे हैं? वो मजदूरी कर रहे हैं। और कई तो ऐसे भी हैं, मैंने देखा है बहुत सारे, कि जिनके घरों में एक एक बेटा है वो भी अपने बेटों को बाहर भेज रहे हैं और बाद में अकेले रह जाते हैं। बेटा पैसे भेजता है, पैसों के साथ ही माँ बाप और बेटे का रिश्ता रह जाता है। मेरा हिसाब है, पता नहीं, तो मेरे पास बाहर जाने के पैसे नहीं हैं इसीलिए मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ कि जो थोड़े बहुत कमा रहा हूँ उनसे ठीक चल रहा है, मैं अपने परिवार के साथ तो हूँ, सुख दुख में साथ हूँ, अगर बाई चांस मुझे कुछ हो गया तो मुझे संभालने के लिए मेरा परिवार है, उनको कुछ हो जाता है तो उनके सुख दुख में खड़ा होने के लिए मैं हूँ। लेकिन जो बाहर चले गए हैं उनको कौन संभालेगा? अगर बाई चांस यहाँ इंडिया में माँ बाप बीमार हो गए तो उनको कौन संभालेगा? और अगर बाहर जो बेटा गया हुआ है वो बीमार हो जाए तो उसको कौन संभालेगा? मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि आज से 10 साल बाद जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है बाहर जाने का, क्योंकि हर घर से नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार खाली हो रहे हैं, बेटे बेटियां सब बाहर जा रहे हैं, और पीछे रह जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप। अब बूढ़े नहीं हैं लेकिन उनको बूढ़े होना है, हो जाएंगे बूढ़े, कुछ साल बाद बूढ़े हो जाएंगे, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि 10 साल बाद जब माँ बाप की यहाँ पर देहांत तो हो जाएगा तो बाहर जो बेटे बैठे हुए हैं वो दूसरे लोगों को मजदूरी पे भेजेंगे दाह संस्कार करने के लिए। यार ये चल क्या रहा है? अगर आप यहाँ पर काम करो तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक दर्जी को पैंट कमीज सिलने के लिए दे दो, आपको 2-4 महीने ऐसे ही घुमाता रहेगा,
यहाँ तो काम करते ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था घूमने के लिए, ये देखा ये फार्म हाउस बनाया हुआ है, ये भी लड़का अमेरिका गया हुआ है तो उन्होंने ये बहुत बढ़िया बना रखा है, पेंट वगैरह करवा रखा है। तो इसे देखकर मेरे ध्यान में आया कि जिस हिसाब से डेली गांव से लड़के जा रहे हैं सारे के सारे, आप स्कूल में प्लस टू क्लास के बच्चों से पूछ के देख लो कि भाई क्या करना है, क्या नौकरी लगनी है, तो वो यही कहेंगे कि नौकरी क्या लगना है सर, बाहर जाएंगे। तो यार जरूरत है सोच बदलने की, अगर काम करने वाला आदमी हो तो यहाँ भी काम चला सकता है। और रिश्ते सिर्फ पैसे से नहीं होने चाहिए, रिश्ते दिल से होने चाहिए, क्योंकि दिल से रिश्तों की कदर करो, पैसे का क्या है। इसके साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।